गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह पे सुरक्षित होंगे। तो आज हम कर रहे हैं कक्षा दो का गणित। क्या कर रहे हैं? कक्षा दो का गणित, और उसके अंदर हम करेंगे जोड़ के सवाल। किस चीज के सवाल करेंगे हम? जोड़ के सवाल, ठीक है। सबसे पहले हम आपको बता दें, जोड़ का मतलब होता है मिलाना। क्या होता है? मिलाना, कि किसी भी चीज को हम उनको आपस में मिला रहे हैं, उनको ऐड कर रहे हैं, तो वो क्या होता है हमारे पास? जोड़, ठीक है। जैसे मेरे पास एक चौक है और मैंने एक चौक और मिला दिया, तो अब मेरे पास कितने चौक हो गए? दो, ठीक है। तो ये होता है हमारा जोड़, क्लियर है। और जोड़ के लिए हम निशान लगाते हैं ये वाला, ठीक है। ये निशान हम जोड़ के लिए लगाते हैं, किसके लिए? जोड़ने के लिए, ठीक है। जैसे मैंने लिखा यहां पे दो, कितना है ये? दो। और मैंने इसमें तीन और जोड़ दिए, यानी कि तीन और मिला दिए, ठीक है। और मैंने यहां पर निशान लगाया है, तो इसका मतलब क्या है आपको समझ जाना है कि हमें इसका जोड़ करना है, तो हम इसका जोड़ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे ऊपर जो हमारी संख्याएं हैं वो कितनी हैं? दो, ठीक है। आप इनके लिए यहां पर दो गोल बना दीजिए, क्लियर है, बिल्कुल इजी है। और नीचे कितने हैं? नीचे संख्या है हमारी तीन, ठीक है। तो हम इसमें नीचे तीन संख्या, यानी कि तीन गोल और बना देंगे, क्लियर है। और यहां पर निशान जो दिया गया है वो किस चीज का है? जोड़ का, ठीक है। ये निशान हम जोड़ने के लिए लगाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? मैंने कहा था कि चीजों को आपस में मिलाना ही जोड़ होता है, तो अब हम इनको आपस में मिला दें सभी को। सभी को मिलाने का मतलब है हम इन सभी को काउंट कर लेते हैं, गिन लेते हैं। तो करिए, चलो शुरू करते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव, कितनी हो गई ये? फाइव, मतलब एक दो तीन चार पांच। तो हमारे पास क्या संख्या है इनको जोड़ने से? पांच। तो हम यहां लिख देंगे पांच। ये हमारा इन संख्याओं का जोड़ हो गया, ठीक है। तो आप भी ऐसे करके देखें। हम एक सवाल और आपको करके समझा रहे हैं, उसके बाद एक्सरसाइज दूंगा, फिर वो आपने अपने आप करने हैं, ठीक है। सिक्स और सेवन का हमें क्या करना है? अब जब मैं यहां पर निशान लगाऊंगा तब हमें पता चलेगा कि हमें इसके साथ क्या करना है। अब जो मैंने ये निशान लगाया है, ये किस चीज का निशान है? ये है जमा का, इसको हम जोड़ या ऐड भी कहते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले जो ऊपर की संख्या है हम उसमें क्या करते हैं? उसके लिए बोल बना लेते हैं। कितना है ये? सिक्स। तो हम बोल बनाते हैं एक दो तीन चार पांच छ, समझ आ गया ना। अब क्या करना है मुझे बताओ? हाँ, मुझे सात के लिए भी बोल बनानी पड़ेगी, सात बोल। तो बनाते हैं हम एक दो तीन चार पांच छ सात, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है? यहां पर दिया है कि मुझे इनका जोड़ करना है, इनको मिलाना है, तो हम इन सबको आपस में एक सर्कल के अंदर मिला देते हैं। तो अब हमें इनको काउंट करना है कि इन दोनों को मिलाने से टोटल ये कितने हो जाते हैं। तो करो शुरू, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, यानी कि छह
जमा सात कितने होते हैं 13। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देंगे 13। तो हमारा आंसर आ गया। अब मैं आपको कुछ संख्याएं लिखूंगा, आप भी उनको हल करें और व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करें। तो देखते हैं संख्याएं हैं हमारी, हमने ऊपर लिखना है 8 और उसके अंदर जोड़ने हैं हमें 6। 8 जमा 6 कितने होते हैं, आपको पीले करें। ठीक है, उसके बाद है हमारा जैसे 7 जमा 7। ठीक है, आप ये भी जोड़े। उसके बाद है तीसरा सवाल हमारा 9 जमा 8। ठीक है, ये भी करें आप। और उसके बाद लास्ट सवाल है हमारा 11 जमा 6, इसको भी आप करने की कोशिश करें। ठीक है, अगली संख्या में जो ये लास्ट वाला जो हमारा सवाल है, हम इसमें 2 अंक हमने लिए हैं, बाकी में हमने एक एक किया है, आप इसको करके देखें। अगर समझ नहीं आ रहा तो 2 अंकों की जोड़ हम अगले वीडियो में करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो के लिए हम जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।